वहीं छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता 2023 का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार ने जो अनिवार्य शर्तें लागू की हैं, उसे लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता के एस चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के पूर्व जो लोक लुभावना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें राज्य के प्रत्येक बेरोजगार को 3,500 रुपये देने की बात कही गई थी। उस घोषणा पत्र में कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी, जो अब रखी गई है कि आवेदक को 12वीं पास होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और योजना का लाभ केवल बेरोजगार युवाओं को ही मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता के एस चौहान ने सरकार से सवाल किया है कि आप बेरोजगारी भत्ता देना किसे चाहते हैं और किसको दे रहे हैं। राज्य सरकार ने जो घोषणा पत्र दिया था अपना, उसमें 3,500 बेरोजगारी भत्ते की बात हुई थी, लेकिन उस समय ऐसी कंडीशन नहीं डाली गई थी जो अभी उन्होंने 4 साल के बाद जो खाना पूर्ति कर रहे हैं जी, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा काम भी हो जाए और हमारे को पैसे देने भी ना पड़े। जिस हिसाब से घोषणा पत्र हुआ था, उस हिसाब से 4,000 करोड़ रुपए पर सालाना इनको बेरोजगारी भत्ता देना, लेकिन अभी 350 करोड़ में इन्होंने बेरोजगारी भत्ते को निपटाया, लगभग 10% भी। लगभग 40 लाख युवा हमारे बेरोजगार हैं और उसमें से शिक्षित, जो कि एक कंडीशन डाल दी गई है कि 12वीं पास होना चाहिए, तो उसमें 25 लाख के आसपास युवा हमारे बेरोजगार हैं। उसमें भी कंडीशन डाल दी गई है कि अगर वो प्राइवेट कोई नौकरी कर रहे हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन डाल दी गई है कि अगर उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन ये डाल दी गई है कि 2 साल से जिसका पंजीयन नहीं हुआ है उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाए। तो आप बेरोजगारी भत्ता देना किसको चाहते हैं और दे किसको रहे हैं?